नमस्कार बच्चों, हमारा ये पद्य भाग का कबीर लेसन चल रहा था। इसमें हमने पहला पद पढ़ लिया था कबीर जी का, जिसमें क्या है, परमात्मा के बारे में बताया गया है कि जो परमात्मा को पूर्ण जानते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, और जो उसको नहीं पहचानते हैं वो नरक में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से अब हमारा जो है ये दूसरा पद जो है शुरू हो रहा है। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग बतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राते करे स्नाना, आत्म मारी पाखन पूजे उनमे पूछे ज्ञाना, बेतुक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितब पुराना, की मूरी तकबीर बतावे उनमे हूँ जो ज्ञाना। अब पहली पंक्ति में देखो, संतो देखत जग बोराना, बुराना का अर्थ है पागल, यानी कबीर जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है पागल अवस्था का हो गया है। इस संसार की ओर देखते हैं तो सब पागल ही पागल तरह से, या बुरा है, मतलब पागल का मतलब वैसे पागल नहीं, इसका मतलब है कि परमात्मा को लेकर, ईश्वर भक्ति को लेकर। सांच कहो तो मारन धावे, कि अगर सांच का मतलब सच, अगर सच बोलता है कोई तो उसको क्या है, मारने की कोशिश करते हैं। झूठे जग बतियाना, बतियाना का मतलब है विश्वास, और झूठ पर क्या है, पूरा संसार विश्वास कर लेता है। यानी अगर कोई सच पे चलता है, सच की राह को, तो लोग उसे पागल बताकर क्या है, मारने के लिए दौड़ते हैं। और अगर कोई झूठे कार्य कर रहा है, बार झूठी झूठ बोल रहा है, तो उसकी बातों पर क्या कर लेता है, ये संसार विश्वास कर लेता है। आगे इन्होंने कहा है कि मैंने अन्य यानी किस किस तरह के लोगों को भी देखा है, किस तरह के, देखो नेमी देखा धर्मी देखा, यानी ये नियम का पालन करने वाला, धर्मों का पालन करने वाला, ऐसे व्यक्तियों को भी उन्होंने कबीर जी ने कहा है कि देखा है। प्रातः करे स्नाना, यानी सुबह सुबह स्नान भी करते हैं, यानी सुबह स्नान कर अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा करने के बाद इस तरह के नियम धर्म करने वाले लोग भी हैं। आत्म मारी पाखन पूजे, उनमें कुछ नहीं आना, पाखी का मतलब है यानी पत्थर की मूर्तियां या पत्थर पूजना, और आत्म का मतलब आत्मा, यानी अपनी आत्मा को मारकर नियम धर्म का पालन करते हुए मूर्तियों की पूजा करते हैं या फिर पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें नहीं कछु ज्ञाना, यानी उनमें और कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक मतलब बहुत से क्या है, पीर ओलिया यानी संत ज्ञानी व्यक्ति, इनके बारे में कहा गया है कि बहुत से ऐसे देखे हैं जो पढ़े कितब पुराना, यानी जो क्या है कुरान नमाज ये चीजें पढ़ते हैं, कि मुरीद तदबीर बताओ, के मुरीद, मुरीद का मतलब है शिष्य, यानी ऐसे बहुत से जो है संत हुए हैं जो क्या है किताबें पढ़ते हैं, जैसे कुरान नमाज इनकी सभी तरह की किताबें पढ़कर ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, और वो ही अपने शिष्यों में ज्ञान बांटते हैं, यानी जो किताबों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उनमें वो जो ज्ञान, यानी उनमें वही ज्ञान है, और वही ज्ञान वो अपने शिष्य के अंदर बांटते हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको इतना करवा दिया है। अब क्या है आगे की जो है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार में क्या है पागल हो चुके हैं, और वो क्या है कि सच पर तो एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन झूठ बोलते ही क्या है कि अनुमान, जैसे पिछले पहले में बताया था कि किस प्रकार के लोग हैं, अधूरे ज्ञान के कारण क्या है
बोलने वालों को मारते हैं और झूठ बोलने वालों को पर विश्वास करते हैं और पत्थर पूज कर अच्छे ही अधूरा ज्ञान उनके पास है और उस वो ही ज्ञान क्या है अपने शिष्यों को देते हैं। आज से हमारे दिन भरे बैठे मन में बहुत तुम्हारा, यानी ऐसे संत हो गए हैं आशा लगाकर बैठ जाते हैं और मन में उनके बहुत ही गुमान यानी गर्व है, अहंकार है मन के अंदर। पीपल पाथर पूजन लगे, यानी पीपल पूजना, पत्थर पूजना और तीर्थ करना, ये उन संत लोगों का क्या है कार्य हो गया है। टोपी पहने माला पहने छापे तीर्थ अनुमाना, यानी टोपी पहनी गले में माला पहनी और माथे में क्या है तिलक लगाकर क्या बन गए संत बन गए। केवल क्या है कुरान नमाज और अन्य इस तरह की धार्मिक पुस्तकें पढ़कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और फिर क्या है आसन लगाकर पूरा ऐसे गर्वित होकर यहाँ पर क्या है वो बैठ गए हैं और मन में और पीपल पूजने लगे हैं, पत्थर पूजने लगे हैं और तीर्थ करके उनके मन में बहुत गर्व है। इसी प्रकार क्या है उन्होंने माला पहन ली, टोपी पहन ली और तिलक लगाकर संत बन गए हैं और उसी प्रकार से वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न बनेंगे एक दो, जैसे एक तो ये हो गया कि सच और झूठ के साथ लोगों लोग कैसा बर्ताव करते हैं, सच बोलने वाले और झूठ बोलने वालों के साथ लोग कैसा मतलब व्यवहार करते हैं। कबीर जी ने किस तरह के लोग देखे, किस तरह के लोग देखे, तीसरा है संत लोग ज्ञान प्राप्त देते हैं और संत लोगों ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। कैसे ज्ञान प्राप्त किया, अब संत लोग जो है अपने शिष्यों को अधूरा ज्ञान देते हैं और उन्होंने क्या है नियम और धर्म का पालन करते हुए मतलब मूर्तियों का पूजन करकर जो भी ज्ञान मिला वही ज्ञान अपने शिष्यों को देने वो लग गए प्राप्त किया। और कबीर जी जिन्होंने जिन लोगों को देखा है उन्होंने इस तरह के लोगों को देखा है कि जो नियम धर्म का पालन करते हैं और किस प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों को। सच बोलने वाले लोगों के साथ क्या है कि आम जो जन है जब संसार क्या है उनको मानने के लिए आता है लेकिन झूठ बोलने वाले लोगों पर वो पूर्णतः विश्वास करते हैं। ये तीनों प्रश्नों के आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद। अगला पद अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।